नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। जी हां दोस्तों, अभी अभी एक बड़ी खबर जो कि सामने आई है। बताया जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए जो 15 सदस्यीय सीबीआई की टीम मुंबई पहुंची थी, अब उन पर भी हमला बोला गया है। आखिर सुशांत सिंह राजपूत के बाद अब सीबीआई पर किसका निशाना है? बताया जा रहा है इस हमले में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का बहुत ही बड़ा हाथ है, जो कि कुछ दिन पहले भी ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, ट्रोल हो रहा था कि बताया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर सीबीआई के खिलाफ उद्धव ठाकरे एक बड़ी साजिश रच रही है। क्या ये वही साजिश थी कि सीबीआई टीम पर हमला साधा जाए? अब कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इस बात को मंजूरी दे दी कि जो लोग अब सीबीआई पर उंगली भी उठाएंगे, अब उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। आखिर दरअसल ये हमला किस तरह का था, आखिर सीबीआई के साथ ये क्या हुआ जिससे सीबीआई की टीम बाल बाल बची, इसके बारे में भी मैं पूरा रिपोर्ट आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दरअसल बात यह है कि 20 अगस्त को जब सीबीआई की टीम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंची, उसके बाद सीबीआई की 15 सदस्य टीम ने कार के जरिए अपने रूम तक जाने की कोशिश की, जिसके द्वारा बताया गया कि रास्ते में ही एक ट्रक ड्राइवर ने सीबीआई के गाड़ी पे हमला बोला। आखिर वो हमला किस तरह का था वो भी सुन लीजिए। बताया जा रहा है कि जो सीबीआई टीम जा रही थी जिस गाड़ी से, उस गाड़ी के सामने अचानक से एक ट्रक आ गया। आखिर वो ट्रक पहले अपने रास्ते में जा रहा था, फिर जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम जिस गाड़ी से जा रही थी, उस गाड़ी के सामने वो ट्रक आ गया। लेकिन संजोगवश सीबीआई का ड्राइवर काफी टैलेंटेड था, उसने जैसे ही आगे से ट्रक को आते हुए देखा, उन्होंने अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लिया, जिससे ये हुआ कि ट्रक ड्राइवर टकराते हुए जो कि आगे निकल गया और सीबीआई की टीम बाल बाल एक्सीडेंट होने से बच गया। सीबीआई की टीम ने वहीं पे उतरकर उस गाड़ी का नंबर भी लोड कर लिया। उसके बाद सीबीआई ने तुरंत मुंबई पुलिस को कॉल की, उसके बाद पूरी जानकारी दी मुंबई पुलिस को। कुछ देर बाद मुंबई पुलिस ने फिर से कॉल किया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस नंबर का गाड़ी जो कि महाराष्ट्र में है ही नहीं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? सीबीआई की टीम ने यह भी बता दिया था कि उस गाड़ी पे हरियाणा का एड्रेस था, तो फिर आखिर मुंबई में जो हरियाणा का गाड़ी चल रहा था उसका रिपोर्ट भी मुंबई पुलिस के पास नहीं थी, जो कि बताया जा रहा है इस मामले में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का बहुत ही बड़ा हाथ है। तो आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई के साथ भी इस तरह का बदसलूकी किया जा रहा है? इसको कब रोका जाएगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच महाराष्ट्र में जाके कर सकेगी, लेकिन अब बताया जा रहा है महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के लोग जो हैं अब सीबीआई को जांच नहीं करने दे रही है। मैं आपको बता दूं इस बात की भी अब रिपोर्ट सामने आ ही जाएगी कि आखिर उस सीबीआई टीम पर वो कौन ट्रक ड्राइवर था, किसके कहने पर जो कि सीबीआई के गाड़ी के सामने आया था। कहीं ना कहीं भगवान का ये दिया हुआ था जिससे वो 15 सदस्य टीम बाल बाल बच गई। अब सीबीआई उसके बारे में भी जांच करेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ अब सीबीआई पर भी हमला करना चाहती है। वही दूसरी तरफ सीबीआई की टीम ने यह साफ साफ कह दिया कि अब वो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच काफी गंभीरता से करेगी। वही नहीं, उसमें जिन लोगों का हाथ है, वो चाहे महाराष्ट्र के सीएम का बेटा ही क्यों ना हो, बॉलीवुड के बड़े स्टार ही क्यों ना हो, अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सभी को कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। जैसे ही इसके बारे में कुछ नया अपडेट, नया न्यूज आएगा, मैं आपको सबसे पहले खबर मीडिया पे जरूर दूंगा। चलता हूं अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।